जापान के लोगों में ऐसा क्या खास है जो मैकडॉनल्ड्स उन पर इतना ज्यादा मेहरबान हो रहा है? आपने फैंटा ड्रिंक को देखा ही होगा, लेकिन अगर आप यही फैंटा को दूसरे देश में देखोगे तो आप बोलोगे कि यार मैं ये क्या पी रहा हूँ। भाई वीडियो बहुत मजेदार है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। नंबर वन, पिज्जा। पिज्जा तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आपने ऐसा पिज्जा आज तक नहीं देखा होगा, क्योंकि इस पिज्जा को देखकर लगता है जैसे अमेरिकन को हॉट डॉग से कुछ ज्यादा ही प्यार है, क्योंकि उन्होंने पिज्जा में गरम कुत्ते को घुसा दिया है, हॉट डॉग को डाल दिया है। जैसे नॉर्मल पिज्जा में क्रस्ट होती है, वैसे ही इसमें भी रोटी जैसी क्रस्ट होती है, लेकिन क्रस्ट के अंदर ही इन्होंने साइड्स में हॉट डॉग डाले हुए हैं, जो देखने में तो अच्छा आइडिया लग रहा है। वैसे क्या आपने कभी हॉट डॉग खाया है? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। नंबर टू, आखिर कैसे कोको कोला जैसे ब्रांड आपको चूना लगा रहे हैं? इंडिया में फैंटा एक बहुत ही पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक है, जो काफी लंबे टाइम से इंडियन मार्केट में बेची जा रही है, जिसका कलर थोड़ा ऑरेंजिश होता है, जो आप सबके लिए कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन क्या आप जानते हो ये कलर में बहुत बड़ा स्कैम छुपा हुआ है, क्योंकि सेम फैंटा आपको यूके में कुछ इस तरह दिखाई देता है, जो थोड़ा दिखने में येलो लगती है, जो असल में ज्यादा अच्छी है ऑरेंज के कंपैरिजन में, क्योंकि ये एक्चुअल जूस होता है, जबकि जो ड्रिंक इंडिया में सेल की जाती है उसमें तो एक्चुअल जूस का नामो निशान भी नहीं होता, बल्कि उसमें कॉर्न सिरप, शुगर और कई तरह की चीजें होती है, जिसे डालकर ये फैंटा ड्रिंक बनाई जाती है, जिसे कुछ इंडियंस बहुत मजे से पीते हैं। लेकिन अगर आप टीकिनिंग के सब्सक्राइबर हो तो आप जानते होंगे कोल्ड ड्रिंक हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपकी हेल्थ और इन्फो दोनों अपडेट रखता हूँ। नंबर थ्री, चुपा चिप्स। इंडिया में बच्चों में ये बहुत ज्यादा फेमस है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि ये कंपनी 150 कंट्रीज में अपनी कैंडीज बेचती है, इसलिए कई देशों में सेम इसी की तरह पैकेजिंग वाली बहुत सारी कंपनी एग्जिस्ट करती है, जैसे अमेरिका में अमेरिकन स्वीट्स, और फ्रांस में तो इसकी बहुत ही अजीब नाम है, जिसे वेरी बैड किड्स कहते हैं। वैसे ये सही भी है, क्योंकि बच्चे इसे लिए बिना मानते नहीं। नंबर फोर, क्या आप जानते हो स्टारबक्स इंडियन और बाकी कंट्रीज के साथ बहुत भेदभाव कर रहा है? लेकिन वो कैसे? जैसे कि आप सब जानते हो स्टारबक्स एक मल्टीनेशनल ड्रिंक कंपनी है, जिसके हर देश में स्टोर्स हैं, और मोस्टली सब जगह पर ये नॉर्मल से बगेल्स मिलते हैं, जो दिखने में इतने खास नहीं है, लेकिन स्टारबक्स स्पेशली सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में रेनबो बगेल्स को बेचता है, जो कुछ ऐसे रंग बिरंगे दिखते हैं। वैसे आपको कौन से वाले ज्यादा पसंद आए कमेंट में जरूर बताना। नंबर फाइव, दुनिया में आप किसी भी जगह पर जाओ, लेस के इस येलो बैग को आप पहचानने लोगे, क्योंकि बाकी फ्लेवर किसी को याद हो या ना हो, ये क्लासिक सॉल्ट या प्लेन सॉल्ट हर किसी को याद रहता है, और हर जगह आपको ये किसी नाम से देखने को मिल ही जाता है, लेकिन चाइना में नहीं, वहाँ इसे अमेरिकन क्लासिक फ्लेवर के नाम से बेचा जाता है। वैसे दुनिया में ऑलमोस्ट हर जगह ये चिप्स प्लेन सॉल्टेड चिप्स के नाम से ही बेची जाती है, लेकिन चाइना में इसका नाम शायद अलग इसलिए दिया होगा कि वहाँ पर प्लेन चिप्स का मतलब कुछ अलग हो। आपको क्या लगता है? नंबर सिक्स, क्या आप जानते हो अमेरिका और यूके में हमारे जैसे टोमेटो केचप नहीं मिलते? तो आप सोच रहे होंगे तो फिर ये केचप कैसे मिलते हैं? असल में जो केचप इंडिया और अमेरिका में बनते हैं वो कम मीठे होते हैं, ऐसा मुझे नहीं बल्कि कैनेडियंस और यूके के लोगों को लगता है, क्योंकि उन्हें थोड़ा मीठा ज्यादा पसंद होता है, जिसकी वजह से वहाँ के केचप सेम कंपनी के होने के बावजूद भी थोड़े मीठे ही होते हैं। नंबर सेवन, प्रिंगल्स एशिया में सबसे ज्यादा फेमस चिप ब्रांड्स में से एक है, जिसकी क्वालिटी बाकी चिप से बहुत ज्यादा ऊपर है, और इसका प्राइस भी। लेकिन अगर आप जापान में किसी से प्रिंगल्स मांगोगे तो आपको कुछ और ही दे दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रिंगल्स के नाम से ही इंस्टेंट नूडल्स को सेल किया जाता है, जो मुझे लगता है वहाँ पर काफी ज्यादा फेमस होंगे। नंबर एट, ये जानकर आप भी सोच में पड़ जाओगे कि मैकडॉनल्ड के लिए जापानी सच में स्पेशल है क्या? फ्रेंच फ्राइज तो आप सभी ने अपने लाइफ में खाए होंगे, किसी को बर्गर किंग की पसंद है तो किसी को पड़ोस की दुकान की, वैसे ही डिफरेंट शॉप्स पर क्वांटिटी भी कम या ज्यादा दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हो जो बड़े रेस्टोरेंट होते हैं जैसे मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, इनके हर जगह क्वांटिटी लगभग सेम ही रहती है, लेकिन सिर्फ एक जगह को छोड़कर, वो है फ्यूचरिस्टिक सिटी जापान। यूके में मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज आपको सेम रेट में 99 ग्राम मिलते हैं, जबकि जापान में वहाँ फ्रेंच फ्राइज आपको 135 ग्राम मिलते हैं। मतलब इतना भेदभाव क्यों भाई? नंबर 9, लिप्टन ग्रीन टी। वैसे तो ओरिजिनली ब्रिटेन से है, लेकिन एड्स की वजह से आज इंडिया और बाकी बहुत सारे कंट्रीज में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन जापान में पता नहीं ऐसा क्या खास है कि वहाँ पर लोगों को कुछ अलग ही चीजें पसंद आती है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो लिप्टन ब्रांड की जापान में एक कंप्लीट ट्रिलॉजी मिलती है, जो देखने में एक कंप्लीट पैकेज की तरह फील होता है। वैसे क्या आपने कभी लिप्टन ट्री को ट्राई किया है? कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया था और मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। नंबर 10, ब्रेड्स हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, जिससे हम रोज सुबह नाश्ते में या फिर शाम को अंडे के साथ या फिर ब्रेड पकौड़े के रूप में खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो ब्रेड असल में ऐसा दिखता ही नहीं? ब्रेड की शुरुआत आज से कई हजार साल पहले इजिप्ट में हुई थी, जहाँ से ये यूरोप में भी बहुत तेजी से फैल गया और यूरोप में इतना ज्यादा फेमस हुए कि वहाँ हर गली में बेकरी खुल गई, जिसे हर कोई किसी भी टाइम फ्रेश ब्रेड खरीद सकता था, इसलिए वहाँ पर ब्रेड एक सिंगल पीस की तरह दिखती थी। लेकिन जब ये अमेरिका जैसी जगह पर गई जहाँ पर बेकरी उतना नहीं,
थी, लेकिन ब्रेड की डिमांड काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से वहाँ बड़ी बेकरी बनी जहाँ पर इन ब्रेड्स को काफी ज्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता था, जिसके बाद इनकी कटिंग भी कर दी जाती थी, जिससे ये कुछ ऐसे दिखने लगी। और ऐसा ही ब्रेड आपको इंडिया में भी देखने को मिलता है। नेम 11, क्या कभी आपने सोचा है पेप्सी और कोको कोला साथ में ड्रिंक बनाएंगे तो कैसे होंगे? वेल, इसका जवाब जापान के पास है, क्योंकि वहाँ पर पेप्सी ने कोला नाम से ड्रिंक बनाई है, जिसे शायद कोको कोला को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है, जो काफी हद तक कोको कोला की तरह ही दिखती है, बस थोड़ी ज्यादा कूल, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। नेम 12, ये रेड कप्स को तो आपने किसी ना किसी अमेरिकन मूवी में जरूर देखा होगा, किसी टीनेजर के हाथ में या फिर किसी एडल्ट के जो पार्टी कर रहा है। इन्हें मोस्टली टीवी सीरीज और मूवीज में जरूर यूज किया जाता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ जिन्हें आप जानकर शॉक हो जाओगे। नेदरलैंड्स में इन कप्स को रेड कप्स की जगह पे अमेरिकन कप्स कहा जाता है। रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये उनके सारे सीरीज में देखे जा सकते थे। नंबर 13, आप सब जानते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में भर भर के शुगर होता है, इसलिए कुछ कंपनी जैसे कोको कोला ने अपनी डाइट ड्रिंक बनाई है जो डाइट कॉन्शियस लोग पी सकते हैं, और ये ड्रिंक्स आपको इंडिया में और अमेरिका में देखने को मिलेंगे, लेकिन इटली में ऐसा नहीं है, वहाँ डाइट कोक अवेलेबल ही नहीं है। आखिर डाइट से किसको प्यार नहीं है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपने ही फैंसी नाम से इस ड्रिंक को दे रखा है, जो है कोको कोला लाइट। नंबर 14, कोको कोला वैसे तो कंपनी है, लेकिन कुछ जगह की गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट होती है जिनकी वजह से यह कंपनीज भी देव मानुष लगने लग जाती है। पर ऐसा ही कुछ काम किया है मेक्सिको की गवर्नमेंट ने, जहाँ पर अगर आप कोक की कैन खरीदते हो तो उस पर आपको क्लियरली लिखा हुआ दिख जाएगा कि इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज और शुगर है, जिससे आप जानती हो ओबेसिटी और शुगर जैसी बीमारी हो सकती है। वैसे मेरे हिसाब से ये हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट के साथ करना चाहिए कि उनका कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए नहीं है, जिससे बहुत लोग इन प्रोडक्ट से बच पाएंगे। और जैसे कि आप न्यूज में सुनते आ रहे हो कि कितने ही मसालों में हम जो डेली यूज करते हैं उनमें कैंसर कॉजिंग केमिकल पाए गए हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट्स में ये कंपलसरी क्लियरली लिखा होना ही चाहिए कि इसमें सच में क्या डाला हुआ है, क्योंकि स्पेशली इंडिया में लोग ये पढ़ते भी नहीं, इसलिए आप भी आगे से जरूर पढ़ कर लेना। नंबर 15, क्या आप जानते हो कोको कोला पूरे साल में 200 बिलियन से भी ज्यादा कैंस बेचता है, और इसका इंडिया में बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, क्योंकि रोज इतने सारे कैंस पी जा रहे हैं। लेकिन कैंस के बारे में आप में से शायद ही किसी ने ये अमेजिंग चीज नोटिस की होगी, ये शायद ही आपको इस चीज के बारे में पता होगा। कैंस के ऊपर जो ओपनिंग होती है वो यूएसए जैसी कंट्रीज में तो ट्रायंगुलर की होती है, वही जापान में ये चीज राउंडेड शेप में होती है, जिसके बारे में शायद आपको आज ही पता चला होगा। इस बात पर एक लाइक तो बनता है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आपको ये नहीं पता होगा कि आप अपने मुंह में ऐसी चीज डालते हो जिसे बाहर के देशों में गंदा कचरा साफ करने के लिए यूज किया जाता है, और वैसलीन के साथ ये चीज कभी मत करना, नहीं तो आप इसके बहुत बुरे एडिक्ट हो सकते हो। वो क्या चीज है इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।